हे गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम इजी क्रिस्पी क्रंची गोभी के पकोड़े, एकदम न्यू स्टाइल में। तो चलिए अब हम बनाएंगे गोभी के पकोड़े। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गोभी ली है। गोभी को हमने यहाँ पे बॉईल करके रख दिया है। गोभी को उबाल कर छान कर अच्छे से रख देना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक बर्तन, इसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 चम्मच बेसन डालेंगे, 2 चम्मच मैदा, और अब डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना है। और अब हमने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, अनुसार नमक। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं अदरक लहसुन, हमने यहाँ पे अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाल रहे हैं। इससे जो पकोड़े का टेस्ट है वो और अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसलिए डालना है, अगर एकदम से पानी डाल देंगे तो ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रहेगी। अब हमने यहाँ पे ले लिया है ब्रेड क्रम्ब, और साथ ही हमने यहाँ पे गोभी को उबाल कर रखा हुआ था, और बैटर हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं गोभी के पकौड़े। पैन लिया है, पैन में ऑयल डाला है, ऑयल को हम यहाँ पे मीडियम गर्म करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे गोभी को बैटर में डिप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोभी हमने यहाँ पे डिप कर ली है, और इसके बाद कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब हमको लगाना है। ऐसे ही हम यहाँ पे बनाते जाएंगे और ऑयल में हम इसे डालते जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसे ऑयल में डाल रहे हैं। हम यहाँ पे एक एक करके इसलिए बना रहे हैं, अगर आप इससे पहले से बनाकर रख लेते हैं तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो एकदम गीली हो जाएगी और ये खाने में बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे एक एक करके इसे डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अभी गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है, और जब हम यहाँ पे थोड़े पकौड़े डाल दें तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। गैस की फ्लेम को हाई करने के बाद यहाँ पे जो पकौड़े हो गए हैं उसे एक एक बार हम यहाँ पे पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ों का कलर कितना अच्छा आया है। अच्छे तरीके से इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो अब हम यहाँ सारे पकौड़े को पलट दे रहे हैं। ये जो पकौड़े हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो ये हो गए हैं दोनों साइड से। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे गोभी के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो गोभी के पकोड़े बने हैं वो कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।